वो हमें इसने पहले कह दिया था कि तब रास्ते में बाइक फारिक करा खड़ा होगा देख लेना। वहाँ तक तो सारा कुछ ही आ गया, बड़ा इतने मुश्किल पैच कर गया। Assalamu alaikum and good morning from beautiful Arankel. थोड़ा सांस चढ़ गया है वॉक करके, मेरे ख्याल है कि घंटे की वॉक तो हो गई होगी, लेकिन बहुत खूबसूरत सुबह है। जैसे एक्सपेक्ट की थी वैसे ये बादल नीचे आए हुए हैं पहाड़ों से, जो बादलों की पीक्स हैं और जो पहाड़ों की पीक्स हैं वो नज़र नहीं आ रही। यहाँ पीछे भी एक छोटी सी स्ट्रीम बह रही है और एक दो जगह मुझे ट्रैक नज़र आए हैं ट्रक या ट्रैक्टर के, और एक ट्रैक्टर मैंने देखा भी है। रात में मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि क्योंकि ये रोड से तो कनेक्टेड नहीं है बाकी जो दूसरी नीलम साइड है, तो फिर यहाँ ये चीज़ें कैसे आती हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि वो दो ट्रक हैं शायद यहाँ पर, और वो खोल कर डिसम्बल कर यहाँ ट्रैक के ज़रिए हाइक करके लेके आए हुए हैं और फिर यहाँ उसको सब पुर्जा असम्बल किया है। सोचें तो बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन यहाँ इसी तरह है सब कुछ। जो भी सामान आता है वो या तो डोली से, अगर छोटा सामान है वो केबल कार से या डोली से आता है, या फिर पोर्टर अपने ऊपर उठाकर वो ट्रैक से आते हैं जिससे हम कल आए थे। आज हमारा यहाँ से जल्दी निकलने का प्लान है क्योंकि जो केबल कार है उस पर रश बहुत बढ़ जाता है अगर आप देर से जाएं अभी, क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट सो रहे हैं, जो रात को लेट सोए हैं या जो फैमिलीज़ वाले हैं वो इतनी सुबह सुबह नहीं जाते। तो हमने ही सोचा था कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, केल जाएंगे, केल से अपनी बाइक्स पिक करके दवारियाँ तक जाएंगे, दवारियाँ से जीप पे मोस्ट प्रॉब्ली जाएंगे क्योंकि बाइक का चांस तो नहीं लेंगे। खावर इंसिस्ट कर रहा है कि वो शायद अभी अटेम्प्ट करेगा अपनी खुद बाइक पे, लेकिन बाकी हम तीनों बबून के बाद एग्रीड हैं कि जीप पे ही जाएंगे। और अगर बारिश का सीन रहा तो उस कंडीशन में तो जीप भी नहीं जाती, तो फिर देखते हैं, फिर वहाँ पहुँच कर कोई अल्टरनेट प्लान बनाएंगे। ये जो मेरे पीछे साइड है, ये साइड, ये बेसिकली इसके ऊपर फिर वो जो पहाड़ पे वो उसे बड़ा जंगल कहते हैं, ये नीचे छोटा जंगल है। और इस जंगल, इस पहाड़ के पीछे पाकिस्तान आर्मी की लास्ट जो चेक पोस्ट हैं, और उसके सामने फिर वो इंडियन फोर्सेस की पोस्ट हैं। इससे आगे वो अलाउ भी नहीं करते जंगल के अंदर जाने को। तो आए थोड़ी सी वॉक करते हैं और फिर वापस गेस्ट हाउस चलते हैं। मेरी ओपिनियन अबाउट अरंगकेल ये है कि बहुत खूबसूरत है, पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत खूबसूरत है। जब आप स्पेशली जब आप हाइक करके ऊपर पहुंचते हैं और ये जो फर्स्ट इंप्रेशन आता है वहाँ से पूरी इस वैली का और इन पहाड़ों का, बहुत खूबसूरत है। लेकिन मुझे जो इसकी डाउन साइड लगी, ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया, कमर्शियल हो गया, टूरिस्ट की बेपनाह भरमा रहे हैं यहाँ, और एक अनप्लान्ड डेवलपमेंट चल रही है होटल्स की, गेस्ट हाउसेज की, कैंप साइट्स की, जो कि बहुत तेज़ी से इसका हुस्न ख़राब कर रही है। और डेवलपमेंट अगर प्लान्ड हो तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप सिस्टमेटिकली चीज़ों को बिल्ड करें। अभी मुझे ऐसे लग रहा है जिसका जहाँ दिल चाहता है वो होटल बना रहा है, लोकल है या जो भी, और जो जहाँ मर्जी कैंप साइट लगा रहा है, टक शॉप खुली हुई है जगह जगह, तो एक क्लटर्ड सी मुझे तो फील आई है। इसकी निस्बत पर्सनली मुझे ताओबट ज़्यादा पसंद आया था। ताओबट खूबसूरत इतना नहीं है शायद, अगेन पिक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब उसका आप एंटर होते कोई उसका फर्स्ट इंप्रेशन नहीं पड़ता, उसमें कोई वाव फैक्टर नहीं है।
यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा तो मैं आपको टेम्परेचर तो नहीं एग्जैक्ट बता सकता, लेकिन फील जो है वो मुझे ये फील हो रहा है कि ये ताऊबट इससे ज़्यादा ठंडा था, यहाँ पर उससे मुझे कम ठंड फील हुई, स्पेशली वॉशरूम के पानी से अंदाज़ा हो जाता है। साढ़े आठ बजे अब अरंकेल से नीचे ट्रैक शुरू किया है, डोली तक जाना है जो कि 30 मिनट्स लगेंगे हमें, फिर डोली से ऑनवर्ड 5 मिनट शायद। आते हुए हमने फुल ट्रैक कर लिया, अब डोली का एक्सपीरियंस करेंगे। शुक्र है मौसम क्लियर होता जा रहा है, ट्रैक पे रश नहीं है अभी ज्यादा, कुछ कुछ लोग उतर रहे हैं नीचे क्योंकि सुबह का वक्त है। गाइस 25 मिनट में मैं डोली वाले पॉइंट पे पहुंच गया, वो देखिए डोली, और ये डोली रवाना। साढ़े 9 बजे हम पहुँच गए केल वाया केबल कार या केबल लिफ्ट या डोली, घंटा लगा मैं टोटल 25 मिनट में मैंने हाइक की थी ऊपर अरंकेल से डोली तक, और फिर बाकी थोड़ा वहाँ जो लाइन में वेट करना पड़ा, और टोटल वो जो डोली की राइड है मतलब उसमें बैठना उतरना अगर इंक्लूड करें तो 4-5 मिनट की है, अदरवाइज जो डोली की राइड है वो सिर्फ 1 मिनट की है, हार्डली 1 मिनट की है, शायद 1 मिनट से भी कम है। अभी रश नहीं है यहाँ पर, कल जब हम जिस टाइम हम यहाँ से गए थे फुल लाइन थी यहाँ पर, टूटे हुए जूतों के साथ फाइनली केल पहुँच गए, लेकिन अब इनका कुछ बंदोबस्त करना है ताकि रत्ती गली के ट्रैक पर मसला ना हो। रहमान की बिरयानी केल में भी दस्तयाब है।
कराची से केल तक और रहमान बिरयानी। मौसम क्लियर होता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह और होपफुली अमरती गली जा सकेंगे। वेलकम बैक गाइस। फाइनली करते कराते 12 बज गए, 12:08 हो गए हैं और अब हम केल से निकलने लगे हैं द्वारियां के लिए, जहां अगेन बाइक पार्क करके हम जीप हायर करेंगे और फिर रत्ती गली बेस कैंप के लिए निकलेंगे। एक दिन की ब्रेक के बाद और फिर बाइक के ऊपर और किट पहनने के बाद गर्मी लग रही है, 32 डिग्री है केल में इस वक्त एज़ पर माई मीटर। और पिंडी से अब तक हमने 418 किलोमीटर राइड कर ली है, अगेन एज पर माय मीटर। गाइज़ ये वो पॉइंट है जहाँ से अगर आप इस रॉक को देखें, नेचुरली ये नाक, लिप्स और चिन और ये नेक एक ह्यूमन हेड लगता है साइड पोज से, और ये मैन मेड नहीं है। ओबियसली जब इसकी रोड कंस्ट्रक्शन के लिए ब्लास्टिंग वगैरह की होगी तो उससे ही इसकी फॉर्मेशन बनी होगी, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और एक अनोखी चीज़ है। और उसी खास स्पेसिफिक एंगल से नज़र आता है, जैसे जैसे करीब आते जाएंगे तो वो डिस्टॉर्ट होता जाता है एंगल। ऑलमोस्ट 1:10 में मैं पहुंच गया हूं शारदा, बस शारदा में एंटर हो रहा हूं, यानी कि 1 फिर कुछ 1.5 आगे और लगेगा द्वारियां तक। बहुत रिलैक्स राइड करते हुए आया हूं और बाकी तीनों भी पीछे हैं अभी, वो तो और भी रिलैक्स आ रहे हैं क्योंकि ऐसे कोई जल्दी है नहीं। ये है जी शारदा, अभी मैं इसके अंदर नहीं गया, सामान अंदर चला गया वो एटीएम को देखने। मैं इधर यहाँ छाऊँ में आगे वेट करता हूँ बाकी लोगों का और उसामा का। नहीं है एटीएम केल में तो कोई बैंक नज़र ही नहीं आया। सोएब आ गए, खबर भी शायद आने वाला होगा। अब हम यहाँ से आगे के लिए निकल रहे हैं द्वारियाँ। बैंक था लेकिन एटीएम नहीं था, बैंक ऑफ खैबर। ये 2 का नॉन स्टॉप ऑफ रोड जो है वो अपने असरात दिखाना शुरू हो गया है, बाइक ने जो इसको बर्दाश्त किया ये देखें। एक तो ये लूज़ हो गया नट यहाँ से, दूसरा टैंक बैग का मैग्नेट निकल गया है, दो दिन पहले तो ये कभी कंस्ट्रक्शन नहीं यहाँ हो रही थी, परसों में यहाँ से गुजरे हैं और और हम पहुंच गए हैं द्वारियां। अंदाजे के एन मुताबिक 3 हमने पहुंचना था।
रत्ती गली की जीप कहाँ से मिलती है? हम चार लोग हैं, कितने में मिलती है? अभी जो वापस कब आए? कल सुबह। कल सुबह किस टाइम? सुबह अर्ली। अर्ली? हाँ। अभी जाके झील कर लेंगे ना? नहीं नहीं, अभी वहीं रहेंगे, सुबह अर्ली झील करके फिर वापस आएंगे। 10-11 बजे? हाँ। आए बात करा। इनसे करा दो, इनसे करा दो बात। ओके जी, फाइनली जीप की हमारी डील हो गई और मैं जा रहा हूँ जहाँ से जीप चलती है वहीं हम बाइक पार्क करेंगे, अपना लगेज शिफ्ट करेंगे, जो साथ लेके जाना है वो लगेज और जो छोड़ के जाना है बाइक के साथ उस लगेज को सेपरेट करेंगे। काफ़ी हद तक तो किया हुआ है, वही जो हमारे अंकल लेके गए थे। एक दो चीज़ें मुझे करनी है, जैसे एक तो रेनकोट निकालना है और एक लैपटॉप का अडॉप्टर। और ये आ गया हमारा पॉइंट। क्या करता हूँ, कोई इधर से जाने वाली किसी जीप पे करूँगा या खुद ही देखता हूँ। थोड़ी ठंडी हो जाए ना मोटरसाइकिल, शायद क्लच प्लेटें ठंडी हो जाए, शायद काम करना शुरू कर दें। अभी ऊपर नहीं चलना? ऊपर आ जा हमारे साथ। मैं नहीं जाऊँगा। अच्छा, मैंने तो पहले भी देखी हुई थी, एक एक्सपीरियंस है, जाने का चलो करके देखते हैं। लेकिन चलो, मैं इसने पहले कह दिया था कि तब रास्ते में बाइक फारिक करा खड़ा होगा, देख लेना। वहाँ तक तो सारा कुछ ही आ गया, बड़ा इतने मुश्किल पैच कर गया, पर चलो कोई नहीं। अच्छा बात सुनो यार भाई, इसी पैच के अंदर अंदर मोबाइल चल रहा होगा मेरा। रेहान भाई बहुत डिफिकल्ट है यार, ये पैच बाइक्स पे नहीं होना था, अच्छा डिसीजन था मेरा जीप लेने का। आवाज ने पे बकूफी की है बाइक पे आके, और बस आज लगता है कि क्लच प्लेट अब तक का टफेस्ट ट्रैक लग रहा है, जीप के लिए भी बड़ा मुश्किल हुआ, तो बाइक तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की जीप राइड करके रुके, वो जीप में जीप को ठंडा करने के लिए पानी शानी डाल रहे, और हम अपनी कमर टांगे शोल्डर सब सीधे करने के लिए बाहर निकले। ऑफ रोड पर बाइक चलाने से बच गया था जिस्म का बॉडी पार्ट, वो अब जीप राइड में सब कुछ हिल गया।
लेकिन अभी भी मेरे ख्याल आधे घंटे की और राइड बाकी है। काफ़ी ऊपर आ गए हैं बादलों में। गाइस फाइनली 3 घंटे की जीप के अंदर उछल कूद के बाद हम पहुंच गए हैं रत्ती गली बेस कैंप। बादलों में गिरा रत्ती गली बेस कैंप। इस वक्त तो लेफ्ट राइट सिवाय कैंप्स के और जीप्स के कुछ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बादल हैं और बादलों में हल्की हल्की सी ड्रिजलिंग है, वो मतलब आपको ड्रॉप्स फील होते हैं फेस के ऊपर। 7:15 हो गए, 4:15 हम निकले थे द्वारिया से, तो पूरे 3 घंटे की जीप राइड हुई है। अभी कैंप को भी देख रहे हैं, कैंप मिल जाए उसमें सामान रखें फिर देखते हैं। देखना क्या, फिर भी इधर ही लेफ्ट राइट ही कुछ वॉक करेंगे, खाने पीने का करेंगे, क्योंकि अभी और तो इस टाइम पर कुछ हो नहीं सकता। अभी के लिए मेरे ख्याल है इस वीडियो को अब यहीं क्लोज़ करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।